हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं A1 ट्यूशन। तो आज की जो ये वीडियो है, यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। सिलेबस डिस्कस करूँगा स्टेट बोर्ड यानी कि ASIC के लिए, जैसे कि हम लोग आसाम बोर्ड भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में टोटल डिटेल में अकाउंटेंसी की सिलेबस को डिस्कस करूँगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि डिलीट कर दी गई है और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आने वाली है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें तीन बुक है, तीन बुक में से पार्ट ए में से। तो पार्ट ए का सबसे पहला यूनिट जो है उसमें से इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट कर दिया गया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट से हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर और उसके पास्ट एडजस्टमेंट्स को डिलीट कर दी गई है। फिर थर्ड यूनिट से कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो था उसको डिलीट कर दिया गया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर जाके फोर्थ यूनिट में से क्या क्या डिलीट किया गया, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट पीरियड, इसको डिलीट किया गया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसीज, है ना। फिर लास्ट में इसका डिलीट किया गया है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। फिफ्थ चैप्टर में से यानी कि फिफ्थ यूनिट में से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं सेकेंड बुक यानी कि पार्ट बी से क्या क्या डिलीट किया गया है। तो सबसे पहले पार्ट बी से यूनिट वन को देख लेते हैं कि यूनिट वन में क्या क्या डिलीट किया गया है। इशू ऑफ शेयर्स, है ना, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसको डिलीट किया गया है। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, इसका मीनिंग को डिलीट कर दिया गया है। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसको डिलीट किया गया है। इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉसेस ऑन इशू, सॉरी ऑफ इशू डिवेंचर, इसको डिलीट किया गया है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेस इन ओपन मार्केट, इसको भी डिलीट किया गया है। बाय कन्वर्शन सिंकिंग फंड मेथड, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन यूनिट थ्री और यूनिट फोर से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, नो चेंजेस। आपको पूरी चैप्टर को अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो रह गया है वो यूनिट फाइव, यूनिट फाइव में से टाइप्स ऑफ रेशियो को डिलीट किया गया है। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिलीट किया गया है। और यूनिट सिक्स से ये प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिलीट किया गया है, है ना। तो ये तो है सेकेंड बुक यानी कि पार्ट बी। चलिए देखते हैं कि थर्ड बुक से क्या क्या डिलीट हुआ है। तो थर्ड बुक से भी वैसा ही कुछ हाल है, पहली यूनिट से कोई चेंज नहीं, दूसरी यूनिट से कोई चेंज नहीं, तीसरी यूनिट में बहुत सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया। यूजिंग क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया गया है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ DBMS को डिलीट किया गया है। और भी सारे कुछ है, सेल्स रिपोर्ट हो गया, कस्टमर्स प्रोफाइल हो गया, सप्लायर्स प्रोफाइल हो गया, है ना। फिर पेरोल हो गया, एम्प्लॉय प्रोफाइल हो गया, पेटी कैशबुक जनरेट रजिस्टर्स हो गया, ये सब को डिलीट कर दिया गया है। और आखिरी यूनिट से एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट को डिलीट किया गया है। तो ये सब सारे टॉपिक्स है, आप देख लीजिएगा, इन सब सारे को टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। और बाकी सारे जो टॉपिक्स पुराने सिलेबस में थे वो सब आने वाले हैं। अगर वो टॉपिक भी चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो हम जल्दी एक नए सिलेबस को लेके फटाफट आते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस से लेके या फिर कोई भी चैप्टर से लेके रिगार्डिंग दिस वीडियो या फिर कुछ भी, तो आप मतलब बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए गुड बाय।